गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलीना। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट आर 73 टॉपिक ऑफ मेटवर्गस क्यू कार्ड सीरीज। हमारा आज का क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ सिटी यू वुड रेकमेंड एज अ नाइस प्लेस टू लिव। किसी ऐसी सिटी के बारे में बताएं जो आप किसी को सजेस्ट करोगे रहने के लिए। तो पहले हम आज की क्यू कार्ड के बुलेट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट इट इज़, कौन सी सिटी है ये, वेयर इट इज़, कहाँ पे है ये, व्हाट यू नो अबाउट दिस प्लेस, क्या चीज़ आप इस जगह के बारे में जानते हो, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू रेकमेंड इट एज अ नाइस, क्यों आप इसको किसी को रेकमेंड करोगे एक अच्छी जगह के तौर पर। तो पहले जो वोकैबुलरी हम आज के क्यू कार्ड में यूज़ करने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब होता है जहाँ पर हम रहते हैं। बीवरेज, बीवरेज का मतलब होता है पीने वाली चीज़ें। हाई राइज बिल्डिंग मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। कॉस्ट लाइन बीच इसको कहा जाता है। ग्लिट्स एंड ग्लैमर खूबसूरती की दुनिया, जैसे बॉलीवुड को कह देते हैं। क्यू कार्ड पर मूव होते हैं। लिविंग इन अर्बन एरियाज इज फैंटास्टिक एज अ सिटी विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट इज अ टॉप चॉइस टू सेटल। आजकल जो सिटीज़ हैं बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि वो सिटीज़ जहाँ का जो बनावट है वो अच्छी हो, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो। तो वो क्या चीज़ सिटीज़ किसके लिए जानी जाती है, जहाँ पर लोग सेटल होना चाहते हैं जाकर। मैनी ऑफ द पीपल मूव टू सिटीज़ फॉर बेटर लाइफ। कुछ लोग तो हैं जो सिटीज़ में मूव होते हैं अच्छी लाइफ जीने के लिए, एंड लिवलीहुड, एजुकेशन एंड जॉब्स। कुछ होते हैं एजुकेशन, पढ़ाई करने के लिए, या फिर जॉब करने के लिए। विद एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ ऑफ एंटरटेनमेंट, फूड एंड बीवरेज, सिटीज़ अट्रैक्ट पीपल। जो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, जैसे फूड हो गया, पीने खाने की चीज़ें होगी, या एंटरटेनमेंट की चीज़ें होगी। द हाई राइज बिल्डिंग टावर्स एंड नाइट लाइफ ऑल्सो हैज़ आ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द यूथ। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होगी, टावर्स होगी, ये भी जो आजकल की यंग जनरेशन है उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। सॉरी, हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अब मुंबई। मैं यहाँ पर मुंबई सिटी की बात करना चाहती हूँ। इट इज़ ऑल्सो वेल नोन एज बॉम्बे। ये बॉम्बे के नाम से भी जानी जाती है। एज इट इज़ द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ये जो हमारी कह दें कि इकनॉमी बूस्ट करने वाली ऐसी कंट्री है, जो बहुत अच्छी जो सिटी मानी जाती है हमारी कंट्री की, जो हमारी कंट्री की इकनॉमी बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। एंड वन ऑफ द टॉप सिटीज़ इन द वर्ल्ड। एक ऐसी सिटी भी है जो वर्ल्ड की सबसे सिटी भी, बड़ी सिटी भी मानी जाती है। विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है बंदा जाके। डाइवर्सिटी ऑफ सिटी अलाउज पीपल टू लिव पीसफुली। जो जो अलग 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 लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोगों को एक अच्छा और सुकून का जीवन जीने में यहाँ पर मदद करती है। एंड सेलिब्रेट लाइफ, और जो लाइफ को है अच्छे से जीना, मज़े से जीना, हर चीज़ को सेलिब्रेट करने में भी मदद करती है। इट इज़ द मेन सिटी ऑफ महाराष्ट्र इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये मेन सिटी है महाराष्ट्र की, जो वेस्ट साइड पर बनी हुई है। जो है पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम हेयर इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। जो लोग हैं इंडिया से यहाँ जाते हैं ताकि वो एक अच्छा जीवन यहाँ पर जाकर व्यतीत कर सके। सॉरी फॉर दिस। दिस सिटी हैज़ एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इन फॉर्म ऑफ द जॉब एंड बिजनेस। यहाँ पर जाकर हर लोग क्या चाहते हैं कि उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी या फिर वो अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं। आई हैव ट्रैवल हेयर मैनी टाइम फॉर माई जॉब पर्पज़ एंड माई रिलेटिव लिव हेयर, सो आई ऑफन ट्रैवल टू दिस सिटी। मैं यहाँ पर काफ़ी बार गया हूँ अपनी नौकरी के सिलसिले में, या फिर मेरे रिश्तेदार भी यहाँ पर रहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ट्रैवल करता ही रहता हूँ। आई लव द स्ट्रीट मार्केट एंड फूड हेयर। मुझे यहाँ की जो मार्केट है वो भी बहुत अच्छी लगती है, और खाना भी। All products are available from the highest range to reasonable price। यहाँ पर सभी तरीके के products available है, बड़ी मतलब महंगी चीज़ों से लेकर सस्ती चीज़ों तक। Moreover, this city is famous for its coastline and beaches। ये जो सिटी है वहाँ पर बीचेस भी बहुत अच्छे होते हैं, तो इसके लिए भी फेमस है। बॉलीवुड इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर। बॉलीवुड भी यहीं पर है। पीपल वर्किंग इन द मूवीज इंडस्ट्री लिव हेयर। जो लोग मूवीज़ में काम करते हैं, एक्टर्स वगैरह, वो भी यहीं पर रहते हैं। सो इट इज़ द सिटी ऑफ ग्लिट्स एंड ग्लैमर। तो हम कह सकते हैं ये ब्यूटीफुल सिटी है, यहाँ पर खूबसूरती भी पाई जाती है। आई रेकमेंड दिस सिटी एज इट हैज़ एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब एंड बिजनेस। मैं ये सिटी रेकमेंड करता हूँ क्योंकि यहाँ पर नौकरी और बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। पीपल लिविंग हेयर गेट अ गुड लाइफ स्टाइल एंड एम्प्लॉयमेंट इन ऑल फॉर्म। यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना ही उन्हें तो एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिलता है, पर अच्छी जॉब भी मिल जाती है। ऐसी में ब्राइट फ्यूचर है, मुझे यहाँ पर अपना अच्छा फ्यूचर दिख रहा था। तो सो आई
वुड लव टू सेटल हियर फॉर माई करियर प्रोस्पेक्ट एंड प्रोग्रेशन। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ मैं भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ, अगर मुझे एक अच्छा मतलब जॉब चाहिए या फिर एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए। द स्वीक प्राइड ऑफ द पीपल अट्रैक्ट मी एज अ मैगनेट टू कम एंड लिव हेयर। जो लोगों का मान है सिटी के लिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज लोगों के यहाँ पर मिलती है वो मुझे बताते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे इस सिटी की तरफ अट्रैक्ट करती है कि मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर जाके रहने लगूँ। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स सो दैट आई कैन एक्सप्लोर मोर। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।